नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। और आज मैं नॉर्मल मोड खेल रहा था। ये सीक्रेट अराय, ये एंशंट सीक्रेट अराय से बोला नहीं खेल रहा था, मैं नॉर्मल मोड खेला था। ये पुरानी क्लिप है वैसी, जब कोर साइकिल मोड भी बंद हो गया था और नया मोड भी आया नहीं था, तब की वैसे ये क्लिप है। मेरे पास वैसे दो क्लिप पड़ी थी तो सोचा डाल ही देते यूट्यूब पर। एंशंट अराइज पे ज़्यादा तो क्लिप मिलते हैं तो है नहीं, ज़्यादातर तो ऊपर ही लड़ने जाते हैं। और मैं कहाँ ये इसके ऊपर ही चढ़ गया था तो मैं नीचे उतरता हूँ। अब मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। और अच्छा हुआ ये यहाँ पे कोई उतरा नहीं था, वरना मेरा टीममेट का तो वही ख़त्म। कहाँ अभी तक हवा में ही है, देख लो भाई, देखो इतना आराम से हौले हौले आ रहा है, हौले हौले। मैं यहाँ पे गन वन लूट के बैठा हूँ। अगर ये मेरा टीममेट नहीं होता, एनिमी होता ना, तो ये हवा में ही मर जाता कसम से। ये देखो इधर इसके तरह एक और लेट लेटी बंदा आता है, लेकिन मेरा टीममेट ना होने की वजह से बेचारा मेरे हाथों से मारा जाता है। तो अब बारी थी अपने इस नल्ले टीममेट को कुछ वेपन्स वगैरह देने की। ये ऊपर जाता है, ऊपर बोलता है कि एक बंदा है, मेरे को राइट से फायर आ रहे थे, सॉरी लेफ्ट से फायर आ रहे थे, तो मैं लेफ्ट में देख रहा था। लेकिन जो सामने बंदा होता है उसको यूएमपी से मैं नॉक कर देता हूँ। इसके पास कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा मैं पहले लूट नहीं करता, इसको दे देता हूँ ताकि ये मेरे कुछ काम तो आए। तो मैं वही इसको इधर बोला देता हूँ, भाई उठा ले वो गन उठा ले, और ये नीचे वाले को पूरा फिनिश कर देता हूँ। वैसे एक्चुअली मेरे को इसके ऊपर एमो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं जाता हूँ अभी दूसरी तरफ, वहाँ पे आता है एक बॉट, उस बॉट को ख़त्म कर देता हूँ। इसको मिल जाते हैं थॉमसन, तो थॉमसन से भी मतलब उसको मारने की कोशिश करते, लेकिन मैंने उसको मार दिया था। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। एक उजी वाला बंदा सामने कहीं पर कंटेनर पर था जो लड़ रहा था, दो चार बंदों को उसने नॉक किया। मैं यहाँ पर लूट थोड़े बहुत कर रहा था, गन वन कैमो मेरे पास थी नहीं, तो मैं एमो वगैरह ढूंढ रहा था। यहाँ पर कहीं पर बंदा तो मिल ही नहीं रहा था, मैं तो ये कंटेनर्स की गलियों में भटक गया रे बाबा। तभी देखता हूँ कि एक नंबर ने किसी को तो नॉक कर दिया, मैंने ऊपर फायर किया लेकिन मेरा एम ऊपर गया ही नहीं। लेकिन टेंशन की बात नहीं, बंदा खुद ही मरने के लिए आ गया। मुझे तो लगा था कि ये होगा वो उजी वाला बंदा, लेकिन ये उजी वाला बंदा होता ही नहीं है। इसकी इन्वेंट्री में M4 पड़ी होती है, सोच रहा था कि M4 उठा ही लूँ, लेकिन मेरे को फुटस्टेप के चक्कर में मैं M4 उठाना भूल जाता हूँ और बंदे को ढूंढने निकल पड़ता हूँ। यहाँ पर आसपास कोई ना कोई तो था। तभी मेरा टीममेट एक वहाँ से दूसरी तरफ का टीममेट नॉक हो जाता है, मैं इधर के बंदे को नॉक कर देता हूँ। तब मेरे को भाई पता चलता है ये भी उजी वाला बंदा नहीं है, उजी वाला शायद मर गया होगा। मैं वहाँ पर देखता हूँ, मेरे को दो तीन बंदे तो घूम रहे होते दिखते हैं, वहाँ से फायर भी आ रहे थे दो तीन। तो मेरा टीममेट ऊपर चढ़ के चेक कर रहा होता है। मैं भी यार अपना, मेरी हेल्थ कम हो गई थी तो मैं अपना किट लगा रहा था, सॉरी एनर्जी पेन किलर से ले रहा था। और हम जहाँ पर जॉर्जो पोल हॉटड्रॉप माना जाता है वहाँ पर हम उतरे, हम अभी तक नहीं मरे। और मेरे टीममेट्स देखो, मतलब ये पूरी की पूरी लॉबी रैंक पुशर से भर के रखी थी। वरना ऐसा कभी हो सकता है कि आप जॉर्जो पुल उतरो, प्लेन रूट आपका जॉर्जो पुल का हो और जॉर्जो पुल उतरो और वहाँ पर कोई भी बंदा ना हो। सारी की सारी लॉबी रैंक पुशर की थी। वैसे सामने एक जो बंदा है उधर TPP लगे बैठा था, तो मैं अपना ऊपर चढ़ के उसको देखता हूँ कि काश मैं यहाँ से उसको मार सकूँ। मेरे को दिखता भी है, लेकिन भाई वो कहाँ बाहर आने वाला था, उधर छुप के बैठा था कि भाई आओ तुम लोग सामने आओ, मैं अपना मुंह नहीं दिखाने वाला, मेरे को शर्म आ रही है। बंदा बेचारा शर्मा रहा था। जैसे मैंने अपना मुंह दिखाया, उसने भैया मेरे पे गन चला के गन का ऐसे स्प्रे मारा, मैं हाफ एचपी हो गया। तो सोचा इसके मुंह पे कुछ मोली वोली फेंकने की कोशिश की जाए। वैसे नया प्लेयर हूँ तो मेरे को इतना थ्रोएबल्स को दूर फेंकना मेरे को आता नहीं। मेरे टीममेट को नॉक कर देते, मैं ऐसे ही उसके ऊपर फायर करता हूँ फ्री फायर, ताकि भाई वो अपनी मुंडी ना निकाले। ये सोच के हम चुपचाप उधर छिपा रहे कि भाई मुंडी निकालूंगा तो ये मेरे को मारेगा।
मैं यहाँ पर अपना अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और उसको एक हेल्थ किट भी दे देता हूँ। तो भाई ले लो भैया, हेल्थ किट दो उठा लियो। मैं इधर तुम फायर कम चेक कर रहा हूँ तो कि भाई कहाँ आएगा, कम कम कहाँ आएगा, बाहर निकल। मेरे को लगा इसको फिनिश करने आएगा, लेकिन वो इतना जिद्दी कैंपर होता है, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। मैंने मोली फेंकी, मेरे को लगा उधर ही कहीं पे छुपके बैठा होगा, लेकिन भाई वो वहाँ नहीं होता है, दूसरी तरफ बैठा होता है। इधर मेरे को एक बॉट मिलता है, बॉट था बंदा था पता नहीं, उसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा दूसरा टीममेट भी नॉक और जल्दी फिनिश होने में नॉक हो चुका था और फिनिश वैसे अभी तो नहीं हुआ, तो मेरा के लिए सेव कर देता है। यहाँ पर दूसरा आता है, गन चेंज करने के चक्कर में मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट आके मेरे को कवर दे देता है। यही होता है फ़ायदा टीममेट को जिंदा रखने का। मैं बोल रहा था अरे मर गया भैया, अरे मैं मर गया भैया, वो बोलते हैं मरा काम ब्रो। तो हम वहाँ से निकल के चले जाते हैं कोचिंग के में। मेरा टीममेट बोलता है कि इधर चर्च पे बंदा है, मेरे को ढंग से सुना ही नहीं दिया, माइक का कुछ फिर स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम था। मैं पे उतरता हूँ तभी भैया एक गाड़ी दिखती है, मैं गाड़ी पे फायर करता हूँ, गाड़ी के अंदर का बंदा नॉक। हर भाई मैं जाके उसको जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। ये क्या कर रहा था पता नहीं, भाग रहा है वैसे, गाड़ी के अंदर था बॉट को भी, गाड़ी के अंदर तो वैसे बैठेगा है नहीं, लेकिन मेरे को भाई कोई लूटने नहीं दे रहा था। क्या मुसीबत है मेरे पे फायर, अरे भाई क्या मुसीबत है, मेरे को एक बंदे को शांति से लूटने भी नहीं देते। तभी मैं एक बंदे को फायर करता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास स्कोप ही नहीं होता, मैंने स्कोप लगा ही नहीं होता, तो मैं उसको फायर करता हूँ, वो नॉक हो ही जाता है आखिरकार। चलो ये बंदा हो गया था फिनिश। वहाँ ऊपर चर्च पर भी कोई बंदा था, मेरे को बंदा दिखता है, लेकिन उसका स्प्रे देखो खड़े रह के मार रहा होता है। तो इसे कहते हैं बेटा तेरा बंदा नॉक और बंदा फिनिश। लेट के स्प्रे मारना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब रिकॉर्ड तो कंट्रोल हो जाता है। मैं इधर आसपास चेक करता हूँ कि पीछे, लेकिन भाई मेरे को पीछे से पड़ती है। भाई कौन है ये, कौन है बे, पीछे से मारते हैं मेरे को, कभी सामने से आते ही नहीं मारने के लिए। इसका अभी भी एक और बंदा, मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड थी आई थिंक, मैं अपने बेवकूफ़ों की तरह उनके मुँह के सामने, वैसे मुँह के सामने तो नहीं, उधर हील करता हूँ ताकि बंदों के सामने मार सकूँ, बंदों को मार सकूँ। मेरे को यहाँ पर एमओ थी नहीं, इसलिए मैं पहले एमओ ना उठाता हूँ। और भाई इधर चेक करता हूँ कि आसपास कोई बंदा है कि नहीं, भाई गाड़ी आई है, लेकिन बंदा तो भाई होता है एक नंबर का कैंपर। और देखो कहाँ से बाहर निकलता है ये कैंपर, मैं यहाँ पर आसपास चेक करता हूँ, लेकिन ये देखो कहाँ पर छुपा बैठा था। मेरे टीममेट ने उसके बाहर आने का फ़ायदा उठाया और सीधा तो फाइनली ये बंदा भी फिनिश हो चुका है। यहाँ पर चेक कर ही रहता हूँ तभी एक बंदा आता है, बंदा था बॉट था पता नहीं, फायर करने से पता चल जाता है, बंदा जब फायर कर देता तब पता मेरे को चलता है कि वो बंदा है या फिर बॉट। मैं आसपास चेक कर रहा हूँ तो कि भाई कहाँ पर है, मेरे को सामने से पड़ती है, मेरे को पता था कि सामने कई पर तो छुपके बैठे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था कि कहाँ पर है। मेरे को दिखता है ऊपर, लेकिन भाई क्या ही कवर उसको मिला है, इतना भी मारने की कोशिश करो उसको घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला, उसको हज़ार गोलियाँ मारो, फिर अपने सारे गोलियाँ मारो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से लेट के करेगा। लेकिन भाई तभी आती है पबजी वाला, मेरे को पबजी चलाने की कोशिश कर, लेकिन बेचारा खुद मेरे M4 का शिकार हो जाता है। लेकिन ये जो और जो दूसरा बंदा चुपके बैठा था भाई, क्या ही कैंपर है, निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और जोन भी आ रहा था। मैंने सोचा कि भाई क्यों इससे फाइट करे जाए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, नहीं करते भाई टाइम वेस्ट, यहाँ से जल्दी निकलते, अगर वो बाहर नहीं निकला तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये सोच के मैं आखिरी बार कोशिश करने तो मैं आया, मेरे पास कोई अच्छे ना ही अच्छा स्कोप था, ना ही मेरे पास कोई स्नाइपर होती तो स्नाइपर से मैं मार ही देता उसको, लेकिन भाई क्या मार पाऊँगा उसको, तो अच्छा खासा कवर है लेकिन मेरे को इतना अच्छा कवर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक इसका एडवांटेज ज़रूर है, ये जून का एडवांटेज ज़रूर है, मैं तो जून के अंदर भाग जाऊँगा यहाँ से, उसको भागने में टाइम लगेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ कि भाई एक बार बस जून आ जाए, जून के मार से वापस बाहर तो ज़रूर आएगा,
लेकिन पीछे से आता है फायर। मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कोई है कि नहीं, तभी मेरे को दिखता है एक बंदा भागते हुए, लेकिन उसके दूसरे टीम मेट जो मेरा निशाना जाता है और वो बंदा ख़त्म। मैं इसको मारने के लिए जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ, मेरे को लगा इधर भागते हुए नीचे तो नहीं आया इस तरफ, लेकिन बंदे को क्या ही नीचे चढ़े थे। बग्गी के अंदर अटक गया बेचारा, बेचारा बग्गी के ऊपर अटक गया। बग्गी से मैं साइड होकर भागते बेटा यहाँ पर नहीं, मेरे को लगा आस पास और कोई बंदा तो नहीं, लेकिन नहीं होता है बंदा। तो यहाँ पर लूट पाट के एक आदमी में से गाड़ी जाती है, उसके ऊपर स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मारा ही नहीं जाता भाई। वहाँ से हम निकल जाते हैं, पोचिंग से निकल जाते हैं, लेकिन तभी मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। वो बताने लग जाता है कि इधर बंदा है, मैं भी टीममेट को रिवाइव करने के बजाय बंदे को मारने जाता हूँ, क्या पता वो मेरे को ही ना पिल दे इसलिए। लेकिन वहाँ पर एक नहीं दो दो बंदे होते हैं। पहले तो ये पत्थर के पीछे छुपा हुआ बंदा, ऊपर भी बंदा नीचे भी बंदा, क्राउच करके मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता, ये हाइट की वजह से मार नहीं पाता, भागते हुए आता है लेकिन मैं ख़त्म। हाइट का एडवांटेज में मेरे को हो गया, मतलब उसको डिसएडवांटेज मेरे को उस वो मुझे देख ही नहीं पाया होगा आई थिंक, लेकिन मेरे को इसका सिर अच्छे से दिख रहा था तो मैं इसको रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन भाई आज मेरे को भाई सच में समझ में आ गया, लालच बहुत ही ज़्यादा बुरी बला है। मैं मेरे पास ढंग के एमओ वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी इन्वेंट्री से एमओ लूटेंगे, इसलिए एमओ लूटने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई मेरे को क्या पता था जोन इतनी जल्दी मेरे पास आ जाएगा। मैं इधर अपना इन्वेंट्री सेट कर रहा था ताकि ये सारी एमओ लूट सकूँ, थ्रोएबल्स वगैरह उठा सकूँ, लेकिन मैं कितना बड़ा लालची देख लो, लालच का अंजाम। मैं जोन के पीछे, जोन मेरे आगे आगे, मैं जोन के पीछे पीछे, मेरा टीममेट तो जोन के अंदर चला गया, मेरे को बोल ही रहा था कि भाई चल ले भाई जोन में चल ले, लालच बुरी बला है। और मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देता, सीधा भागते रहता हूँ कि भागो भागो भागो, और भागते भागते मैं हो जाता हूँ सीधा नॉक। मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी जोन के अंदर निकला जाए, शायद बच जाऊँ, टीममेट मेरे को रिवाइव तो कर ही देगा, ये सोचते हुए जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भैया मुंह पे ही मुँह हाथ आया लेकिन मुंह न लगा। तो क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे बताओ, अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो कि क्या ये अकेला बंदा बच्चे कुछ दो बंदों को मार पाएगा। मेरा टीममेट आसपास इधर चेक करते हैं, इसके पास वैसे इधर बग्गी खड़े होते, मैं बोलता हूँ कि भाई सामने वहाँ पर कोई बंदा ज़रूर होगा, और होता भी है, लेटा हुआ। देख लो भैया क्या दिन आ गया, इधर लेट के माम खेल रहा है, और ये देखो इसका लेट कर भी स्प्रे ढंग से नहीं जा रहा है, भाई क्या चल रहा है। मेरे को भी कैसा टीममेट दिया, और वो एनिमी भी देखो कहाँ, बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने बंदा है कहाँ, ये कहाँ पर कवर लेके बैठा है भाई, ये कहाँ पर कवर लेके बैठा है। ऐसा ही होता है जब आप ईयरफोन यूज ही ना करो, बेचारे को मालूम ही नहीं कहाँ पर है। मेरा टीममेट भी भागते हुए जाता है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये सोचते हुए भागते हुए जाता है। मैं अपना माइक बंद कर लेता हूँ क्योंकि भाई अगर आप मरे हो तो अपने टीममेट के कान में बक बक करना अच्छी बात नहीं है, उस कैसे वो बंदे सामने वाले को कैसे मारना चाहिए अपने टीममेट पर ही छोड़ना होता है, ये सोच के मैं अपना माइक ही बंद कर देता हूँ। और माइक बंद करने का सही अंजाम, ये इधर फायर करता है लेकिन भाई क्या टैप टैप फायर कर रहा है, लेट कर भी टैप टैप, और वो बंदा देखो बेचारा का जान बच के भाग रहा था कि भाई मम्मी रे ये कौन है जो मेरे को मार रहा है, मम्मी रे मर गया रे करके भाग रहा होता है, लेकिन हील ही नहीं करता भाई साहब जी तो अपने हील ही नहीं करते। लेकिन पता नहीं इसने यहाँ पर स्मोक करके वहाँ पेड़ के पीछे क्यों गया था, शायद स्ट्रैटर्जी, बंदे को ये लगे कि भाई पत्थर के पीछे छुपके बैठा है, यहाँ पर चुपके लेट कर मारने की कोशिश करता है। और वो बंदा शायद बॉट ही था, क्योंकि बंदा होता तो हेल्थ लगा लेता ना, और जैसे कि स्प्रे से आराम से बच जाता। इसका स्प्रे देख लो, अब भाई ये आखिरी एक बंदा तो मर गया, अब आखिरी बंदा बचा हुआ होता है। लेकिन मेरा टीममेट तो भाई देखो खुशी से उछल रहा होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई रुक जा अभी भी एक बंदा बचा है उसको मार दे। और वो आखिरी वाला बंदा बहुत ही बड़ा गधा होता है, इसके सामने आके लेट गया, वाह दिमाग देखो बंदे का। मेरे टीममेट ने उसके लेटने का अच्छा फ़ायदा उठाया,
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।